एक मतला कुछ शेर से इस शेरी सफर का आगाज करता हूँ सर। लेकिन मेरी एक बहुत बड़ी लड़ाई है मेरे साथियों से, लिखने वालों और सुनने वालों से, कि जैसे ही कोई बड़ा शायर पढ़ के चला जाता है तो सुनने वाले भी चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे सबसे अच्छी शायरी सिर्फ बड़े शायर ही करते हैं, छोटे शायरों ने तो शायरी कभी की ही नहीं। तो साहब, अपने दोस्तों अपने साथियों को समझाने की कोशिश कीजिएगा। मेरा एक मतला और कुछ शेर है कि जग ये सारा फानी है, फानी जो मिट जाए, जग ये सारा फानी है, बाकी सब नादानी है, और सबसे बड़ा खजाना तू, सबसे बड़ा खजाना तू दुनिया आनी जानी है, दुनिया आनी जानी है। और मैं दिल्ली का शायर हूं, मैं दिल्ली का शायर हूं, मैंने किसकी मानी है, और जिससे इश्क करे है तू, जिससे इश्क करे है तू, वो मेरी दीवानी है, वो मेरी। और एक गीत के जरा दो बन सुन ले के, राधिका से कृष्ण मिल नहीं सके तो क्या हुआ, कृष्ण राधिका का प्रेम फैला चारों ओर है, तो रुक्मणी का नाम कौन ले रहा है कृष्ण संग, इंतहान प्रेम का हमेशा से कठोर है, प्रेम वंदना है और प्रेम साधना प्रिय, प्रेम आरती है, प्रेम ही है अर्चना प्रिय, तो प्रेम शब की खामशी है, प्रेम नई भोर है, कृष्ण राधिका का प्रेम फैला चारों ओर है, और तुमको मुझसे प्रेम है तो आओ तुम लजाओ ना, बेकरार हूं मैं आके गले से लगाओ ना, तुमको मुझसे प्रेम है तो आओ तुम लजाओ ना, बेकरार हूं मैं आके गले से लगाओ ना, तो मैं तुम्हारा चांद हूं, मैं तुम्हारा चांद हूं, तो तू मेरी चकोर है, कृष्ण राधिका का प्रेम फैला चारों ओर है। अभी मैं जरा कुछ एक नज्म सुनाऊंगा, बड़ी जो है बदमाश नज्म कहता हूं मैं इसको, मैं जरा निकाल लूं। कहा है कि एक खत मेरी सब माशुकाओं के नाम, एक खत मेरी सब माशुकाओं के नाम, उनके होठों के नाम, उनके गालों के नाम, उनकी आंखों के नाम, उनकी जुल्फों के नाम। अब किसी से मोहब्बत नहीं है मुझे, अब किसी से मोहब्बत नहीं है मुझे, और किसी से शिकायत नहीं है मुझे, और शऊरे इबादत नहीं है मुझे, अपनी पहली मोहब्बत में खुद हो गया, अपनी आगोश में मैं खुद ही सो गया, मुझको रोना जो आया तो खुद रो लिया, अब किसी की जरूरत नहीं है मुझे, एक खत मेरी सब माशुकाओं के नाम। एक थोड़ी संजीदा नज्म है, कहा है कि जिसको हमने शान से पलते देखा है, जिस लड़की को भूलते फलते देखा है, कदम मिलाकर जिसको चलते देखा है, उसको जला दिया लोगों उसके घर ने, भेज दिया ससुराल उसे घुट घुट मरने। आफरीन, जरा नज्म देखना, भेज दिया ससुराल उसे घुट घुट मरने, सुना है उस लड़की का घर अच्छा घर है, और पति उसका तो सबसे बेहतर है, पर लड़कों की कमियां कौन गिनाता है, पर लड़कों की कमियां कौन गिनाता है, पति हो कैसा परमेश्वर कहलाता है, पति हो कैसा परमेश्वर कहलाता है, सुना है वो लड़की पर हाथ उठाता है, कभी कभी सिगरेट से उसे जलाता है, कैसे कैसे जुल्म न जाने ढाता है,
बाप गरीब है पैसा नहीं दिया उसने, लड़के ने जो चाहा नहीं किया उसने, लड़की ने ससुराल को अपना घर समझा, इसको ही मक्का इसको मंदिर समझा, उस लड़की का नाम निशान मिटा डाला, साहिर उस लड़की को वहीं जला डाला, साहिर उस लड़की को वहीं जला डाला। जरा एक गजल आखिरी पढ़ता हूं, फिर एक मतला और दो शेर पढ़ के अपनी जगह लूंगा। ये जो है ईद पे लिखी हुई गजल, मैंने इसकी रदीफ है ईद मुबारक, तो जुड़ने की कोशिश करिएगा। इश्क में जिसने दर्द सहे हैं उस बिरहन को ईद मुबारक, इश्क में जिसने दर्द सहे हैं उस बिरहन को ईद मुबारक, जिस मौसम ने दर्द दिए हैं उस सावन को ईद मुबारक, उस सावन को ईद मुबारक। जिसका चेहरा देख के पागल चांद मियां शर्मा जाते हैं, जिसका चेहरा देख के पागल चांद मियां शर्मा जाते हैं, घूंघट के पट जो ना खोले उस दुल्हन को ईद मुबारक, घूंघट के पट जो ना खोले उस दुल्हन को ईद मुबारक। और हम कबीर के वंशज ठहरे हम कोई मजहब क्या जाने, हम कबीर के वंशज ठहरे हम कोई मजहब क्या जाने, बंशी धर नटवर नागर और कमल नयन को ईद मुबारक, बंशी धर नटवर नागर और कमल नयन को ईद मुबारक। आपकी मोहब्बतें मुझे शायद मिल नहीं पा रही हैं, पर पता नहीं कितने लोग हैं। और काय के माखन चोरी करने वालों जरा सेवैयां मिलकर खा लो। एक्चुअली दाद मांगने की मुझे आदत नहीं है, मुझे दाद मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या होता है कि ये हॉल जो आवाज़ गूंज रही है ऐसा लग रहा है जैसे मेरे साथ धोखा हो रहा, कोई है ही नहीं हॉल में, तो वो आवाज़ सुनने के लिए। माखन चोरी करने वालों जरा सेवैयां मिलकर खा लो, माखन चोरी करने वालों जरा सेवैयां मिलकर खा लो, सारे गोकुल सारी मथुरा वृंदावन को ईद मुबारक, सारे गोकुल। और कहा कि जिस घर ने हमको ठुकराया हम ही उसको गले लगा ले, जिस घर ने, शर्मा मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आप जैसे बड़े अदीब शायरों का जो, बहुत बहुत शुक्रिया, कि जिस घर ने हमको ठुकराया हम ही उसको गले लगा ले, उस घर की दीवारों दर और उस आंगन को ईद मुबारक, उस घर की दीवा। आओ साहिर हम सब मिलकर इश्क मोहब्बत प्यार बढ़ाएं, आओ साहिर हम सब मिलकर इश्क मोहब्बत प्यार बढ़ाएं, प्यार मोहब्बत में जो डूबा है उस मन को ईद मुबारक, प्यार। एक मतला दो शेर जल्दी जल्दी सुन लें, के तू उसके पांव का पायल बना देता तो अच्छा था है, खुदाया तू मुझे घायल बना देता तो अच्छा था। सब जब मैंने आफरीन की कहानियां नहीं सुनी थी उससे पहले मेरा कोई आइडल नहीं था कहानियों में, और जब मैंने कहानी अपनी मेरी पहली कहानी जो लिखी तो इसमें इस गजल का एक शेर मैंने डाला कि बरसती है मेरी, ये शेर नहीं डाला था, आप समझ जाएंगे कौन सा शेर डाला होगा, कि बरसती है मेरी आंखें उसी के वास्ते लेकिन है, बरसती है बरसती है मेरी आंखें उसी के वास्ते लेकिन है, तू उसकी जुल्फ का बादल बना देता तो अच्छा था। और ये शेर आप सबकी समातों के हवाले करता हूं कि मैं उसको देख तो सकता नहीं हूं
ऐ मेरे मौला, मैं उसको देख तो सकता नहीं हूँ, ऐ मेरे मौला है तू उसकी आँख का काजल बना देता तो अच्छा। और आपके ज़रा 40-45 सेकेंड लूँगा कि मेरे ख्वाबों में यूं ना आया कर, मेरी जान मत मुझे साथ आया कर, और तेरी बीनाई कम नहीं होगी रोशनी, तेरी बीनाई कम नहीं होगी, मेरी आंखों को चूम जाया कर, मेरी आंखों को चूम जाया कर। और शेर आखिर देखें कि आज की शाम का जो मैं जो पढ़ रहा हूं शेर, मेरे शेरी सफर का जो शेर आखिर है वह है कि मीरो गालिब की प्यारी दिल्ली में, आंख का काजल वाला शेर किसी ने कॉपी किया तो एक शेर गुस्से में हुआ कि मीरो गालिब की प्यारी दिल्ली में शेर चोरी के मत सुनाया कर। बहुत शुक्रिया।